शरीब बसमिल्लर रही हमारा सेकेंड सेशन चल रहा था तो उसमें हमारा ये आ, अब ओवरऑल सिक्स लेक्चर है सेकेंड सेशन का सेकेंड लेक्चर गैर शादी शुदा के जो मसाइल हैं या जो शादी के करीब हैं उनके मसाइल एक तो ये है कि बलुगत के बाद मैंने कहा कि हमारे यहाँ नौजवान दो किस्म के हैं एक तो वो हैं कि जो इर्द गिर्द का माहौल देख के कुछ पेयर्स कुछ जोड़ों के ज़िंदगी के मसाइल देख के उन्होंने समझ लिया कि शादीशुदा ज़िंदगी क्या एक अजाब है एक आजमाइश है हमें इसमें नहीं पढ़ना वो तो नेगेटिव हो गए ये एक तकलीफ़ में एक इंतहा पर हैं और दूसरे वो हैं जो बहुत ज़्यादा फैंटेसी में हैं कि जो अभी तक नावल्स फिल्में ड्रामों में जो कुछ दिखाया जाता है खैर ड्रामों में तो शायद फिर कोई जो रियल लाइफ होती है उसकी कुछ झलक नज़र आ जाती है आप फिल्मों में कहना चाहिए मूवीज़ में कहना चाहिए जो लाइफ है ही नहीं हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं तो अब उसमें चले जाते हैं ये बहुत नुकसानदेह इस एतबार से कि जब शादी होगी तो फिर पता चलेगा कि भाई रियल लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट है उसमें तो मसाइल हैं उसमें तो इतनी फैंटेसी नहीं है लड़की का ख्याल होता है कि शायद उसने लड़के को कबूला है हालांकि उसने पूरा ख़ानदान कबूला होता है और लड़के का ख्याल यह है कि उसने लड़की कबूल की है हालांकि उसने जिम्मेदारी कबूल की है और अगले दिन जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है तो फिर उसको एहसास होता है कि नहीं शादी जो है वो एक अच्छी खासी ज़िम्मेदारी का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है तो एक बात तो ये है कि शादी के बारे में जो तस्वूरत हैं ना हमारी यूथ के उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है अगर वो दो इंतहाओं पे हैं तो उनको ज़रा बैलेंस करने की ज़रूरत है दूसरी बात जो आम तौर पे नौजवान पूछते हैं वो रिश्ते की तलाश के हवाले से कहाँ शादी करें कहाँ शादी ना करें और आम तौर पे ये होता है कि अरेंज मैरिज़ में हमारे यहाँ जो कि वालदे करते हैं पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे ये पूछते हैं कि वालदेन की मर्ज़ी की शादी कर लें ना करें या वालदे जहाँ पर करना चाहते हैं मुझे पसंद नहीं है अब उसमें एक बात तो मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो इस जुमले में ज़रा गौर कर लो एक है कि तुम्हें पसंद नहीं है और एक है कि कोई तुम्हें बुरा लगता है ये दो दोदा बातें अगर जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है या वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं है तो इंसान की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि एक दूसरे के साथ रहते हैं तो मानूसियत पैदा हो जाती है कहते हैं मतलब शादी के अठारह बीस साल बाद तो मियाँ बीवी बहन भाई लगना शुरू हो मतलब उनकी शक्लें भी एक जैसी लगना शुरू हो जाती हैं तो साथ रहने से मुनासबत पैदा होती है उल्फत पैदा होती है मवादत पैदा होती है तो अगर कोई पसंद नहीं है तो पसंद पैदा हो जाती है शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे से तास लेते हैं एक दूसरे के ऊपर अपना असर भी डालते हैं यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जी सारी शख्सियत तो नहीं चेंज होती जहरी बात है रिकन्स्ट्रक्शन तो नहीं होती किसी भी पर्सन की शादी के बाद आफ्टर मैरिज हाँ ये कह सकते हैं कि टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट चेंज आती है हर पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से वो चेंज लेता है इतनी तब्दीली आ जाती है और पसंद भी पैदा हो जाती है दूसरा ये है कि अगर कोई आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपको बुरा लग रहा है वहाँ आप बेशक शादी ना करें वहाँ आप शादी से इनकार कर दें मतलब किसी की और सूरत ऐसी है कि आपको पसंद नहीं आ रही और किसी की और सूरत आपको बुरी लग रही है तो बुरी लगने का मतलब बिल्कुल और है हम उसको एक्सप्लेन करने में नहीं जाते लेकिन वहाँ पे आप शादी ना करें दूसरी जो आम बात है कि शादी में हमने कहा था कि मर्द के अखलाक को देखना चाहिए और औरत की दीनदारी को देखना चाहिए औरत की दीनदारी का फ़ायदा क्या होगा कि मर्द के जो असल हकूक़ हैं इतात और फरमाबरदारी के तो अगर कि अगर औरत में दीनदारी होगी तो वो उसको अच्छे से पूरा करेगी और अगर मर्द में अखलाक होगा तो जो औरत की के हकूक़ हैं उसने माशरत के तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए उसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए तो मर्द उसको अच्छे तरीके से पूरा करेगा अब एक और मसला जो अहम है वो ये कि इस वक्त यूथ का एक बड़ा मसला ये है कि शादी करना चाहते हैं वालदे राज़ी नहीं है वालदान को कैसे राज़ी करें इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट का मुझे एक मरतबा उसने मुझे ख़त लिखा खैर वो मैंने पब्लिश भी किया अपनी इस बुक में बहुत दर्द भरा ख़ा था मैं तो वो मसला उस तरह से नहीं बयान कर सकता था यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी में जैसा माहौल है हम लोग जानते हैं उसका कहना ये था कि मैं अपने आप को बचा बचा के और मैंने बचाया हुआ है मैं देखता भी नहीं हूँ किसी गैर महरम औरत को मैं देख मतलब इस ज़माने की बात कर रहे हैं तस्वीर भी यानी आप कहें कि चलो बंदा तन्हाई में कोई सोशल मीडिया पे ही है वो लेकिन मुझे लगता है मैं ज़हनी मरीज़ बन रहा हूँ मैं लड़ लड़ के थक चुका हूँ वालदे को शादी का कहता हूँ लेकिन वो इस तरफ तोज्जो नहीं देते तो एक आदमी जो इस माशरे में जिसे आप कहते हैं इन ट्रू सेंस पागदामनी की अगर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उस लड़के का कहना यह था कि मेरा एनालिसिस ये है कि वो मरीज़ बन जाएगा तो ख़ैर उसका ख़त वो मैंने अपने फ़ेसबुक टाइमलाइन पे भी पब्लिश किया किताब में भी पब्लिश किया इसका जो देखें एक बात तो ये कही जाती है कि जी हालात नहीं है वालदेन की तरफ से और ऐसे भी वालदे एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा भी आया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था सर मेरे घर में चार गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरे अब्बा जान फिर भी मेरी शादी अब जहरी बात जैसे घर में चार गाड़ियाँ खड़ी हैं अब्बा जान अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन नहीं करने को तैयार कि तू कमाने के काबिल होगा तो फिर करूँगा ये ज्यादी है ये जुल्म है ऐसे वालदान तो अब जहरी बात है कि औलाद अगर गलत रस्ती की तरफ जाती है तो औलाद कह रही होती है कि जी हमारे वालदे भी रिस्पॉसिबल है जिम्मेदार हैं और वाकता वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे आंसरेबल होंगे हाँ जहाँ पे अगर कोई वाक़ता में कोई फ़क्र है तो कुरान उसमें भी ये कहता है कि अगर वो अपने आप को पाक रखने के लिए पाकिजा ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी की तरफ जाते हैं इन यकून व फ़करा योग निन फजली अल्लाह ताली उन्हें अपने फ़जल से गनी कर देगा और हो जाता है मतलब कुछ टाइम लगता है असल में हम लोग ना बहुत ज़्यादा आइडियल रिश्तों की तलाश में रहते हैं और बिल आखिर जब आइडियल मिल जाता है तो आप उसके आइडियल नहीं होते यानी जो आपका आइडियल होता है आप उसके आइडियल नहीं को फ़ायदा नहीं है। ख़ास तौर पर बच्चियों के जो वालदेन हैं और बच्चियों का जो जहन बन चुका है अब वो ये चाहती हैं कि हमारी शादी हो बीस साल की उम्र में या बाईस साल के लड़के से हमारी शादी हो और कमा वो इतना रहा हो जितना कि चालीस साल में जाके कोई कमाता है मतलब एक लड़का है जहरी बात है उसने बीस साल की उम्र में अगर, अगर अपना एक कैरियर स्टार्ट किया है तो वो कब बनेगा कुछ तीस पैंतीस चालीस साल में जाके बन जाएगा ना कुछ तो मैं अक्सर यही मशवरा देता हूँ मैं कहता हूँ आप ये ना देखो कि इस वक्त क्या कर रहा है आप ये देखो कि इसके अंदर पोटेंशियल है अगले दस पंद्रह साल में ये कहाँ खड़ा होगा आप उसको रिश्ता दे दो भले अभी इस वक्त वो कुछ भी ना हो बीस साल की उम्र में बच्चा क्या हो सकता है मुझे बताएं कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता है इल्ला ये कि अपने बाप से विरासत में कोई बिज़नेस मिल जाए तो मिल जाए और इसी तरह 20 साल की उम्र में क्या है उसने एक फ़्रेश ग्रेजुएट है कितनी बड़ी नौकरी हासिल कर लेगा अगर वो कुछ बनेगा अपनी सलाहियतों के एवज तो वो कुछ 40 साल की उम्र में जाके बनेगा यानी वो वेल्थ वो सोशल स्टेटस वो सब कुछ जो एक औरत को चाहिए वो 20 साल के लड़के से उसको नहीं मिल सकता फिर या तो वो ये कंप्रोमाइज़ करे कि चालीस साल के बंदे से और वो भी उसको सेकेंड मैरिज वाला मिलेगा उसके साथ करे लेकिन अगर उसे किसी यंग से करनी है तो उसे इस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिर्फ ये देख ले कि इसके अंदर पोटेंशियल है ये मेहनती है स्ट्रगल करेगा निकल जाएगा और होता ऐसी है तो हमारे यहाँ ये जिस चक्कर में पड़े हैं ना कि इस वक्त बच्चे का मकान भी होना चाहिए उसके बाद बहुत अच्छी जॉब भी होनी चाहिए ये सब मेरे ख़्याल में बेवकूफ़ी और इस वजह से उम्रें ज़्यादा हो रही हैं बहुत ज़्यादा थर्टी थर्टी फाइव ईयर थर्टी एट ईयर्स ट्वेंटी एट ईयर्स ये आम है और फिर जो मुनासिब रिश्ते होते हैं वो भी नहीं मिलते इससे निकल आना चाहिए आइडियल रिश्ता ये है कि पोटेंशियल है दोनों के अंदर पोटेंशियल है लड़की के अंदर भी कुछ बनने की और मर्द के अंदर भी लड़की के अंदर भी कुछ बनने की पोटेंशियल है देखिए मुझे याद है मेरी अब ट्वेंटी फाइव मतलब उसमें शादी हुई तो अब ये भी लेट थी वही जो अपना हमारे उस्मान भाई भी कह रहे थे लड़के करवाई मैंने भी लड़के करवाई मतलब इस एज में भी घर वाले राजी नहीं थे उसकी वजह यही थी कि मतलब जिस महीने मुझे जॉब मिली है उसी महीने शादी हो गई चलो इतना तो हो गया लेकिन वो इतनी अर्निंग नहीं थी अच्छा मेरे पास उस वक्त साइकिल थी फिर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दे दी फिर गाड़ी दे दी तो बहुत अल्लाह ताला ने फजल किया ना ये मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं इंसान को दुनिया में भी अगर कुछ मिलता है ना तो एक वक्त के साथ मिलता है उससे पहले नहीं मिलेगा तो इसमें नहीं जाना चाहिए एक बात तो ये होगी दूसरी बात यह है कि अब पास जो बच्चे हैं उनको ज़रा ज़्यादा आखर आई होती मतलब अंडर ग्रेड में वो हैं वो कहते हैं हम तो ग्रेजुएशन से पहले बस हमारी शादी करो शादी करो अब उसमें अगर वालदेन सपोर्ट कर दें बहुत अच्छा है लेकिन अगर ना करें तो कोई मुजवज़ा मॉडल तो होना चाहिए ना कोई सजेशन तो होनी चाहिए ना क्या करें अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ऐसी तजावीज़ जो है ना ये पेश करते रहना चाहिए ख़ासतौर पर स्कॉलर्स को मैं ऐसे मौजूद पर लिखता भी रहता हूँ अपनी फेसबुक टाइम लाइन पर मेरे दिन में ये आता था कि उसमें निका कर लिया जाए विदाउट रुकस्ती म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ख़ानदानों की और मतलब कुछ केसेस में ऐसा किया जा सकता है बुराई से बचने के लिए और अगर वापस में कज़न्स वगैरह हैं तो वहाँ वैसे पठानों में तो बचपन में पैदा नहीं होते तो निकाह कर देते ठीक ये हमारे बचपन की मांग है उनके यहाँ ये बहुत मारूफ जुमला है तो हमारे कल्चर में मतलब ये चीज़ चल सकती है इसको किया जा सकता है कि अगर कोई लड़का और लड़की जो है वो बुराई से बचना चाहते हैं और उनके आपस में मतलब कंसेंट भी है कि हम आगे अजदवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अभी वो निकाह कर लें अपने ख़ानदान की दोनों ख़ानदानों की म्यूचुअल कंसेंट से फिर उसके बाद जो है वो रुखती कर लें जब तो इससे क्या होगा कि वो कम अज़ कम उस इंतहाई बुराई से बच जाएंगे। तो इस तरह की और भी मतलब कुछ तजावीज़ हैं मतलब जिन पर अमल किया जा सकता है किताब में मैंने तस्करा किया तो शादी के बारे में एक और अहम क्वेश्चन इसखारा बहुत अहम चीज़ है इसखारा करना चाहिए इस्तारे का मतलब अल्लाह से मशवरा करना लेकिन इसखारे के कुछ कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ सही नहीं भी हैं इस्तारा ऑनलाइन बबा जी और फ़ौर पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं किस दुनिया में ये रिश्ता आपके लिए ठीक है ये ठीक नहीं है फजूल बातें बेकार की बातें इस्तारे का मतलब अल्लाह से खैर तरफ करना या मशवरा करना यूँ कह ले आपको दर्द है ना आपका मसला है आप जिस दर्द से अल्लाह से मांगेंगे वो बाबा जी नहीं मांग सकते तो अल्लाह से खैर तलब करें इस्तारे की एक दुआ है वो दुआ हमें मिल जाती है कहीं भी गूगल करें मिल जाएगी दो रखकर नफल नमाज पढ़ें किसी भी वक्त में अल्लाह से वो दुआ मांगें उसका तर्जमा अपने जेहन में रखें उसमें यही अल्लाह ताला ये मामला अगर मेरी दुनिया आखरत के लिए बेहतर है तो मेरे लिए इसको मुकद्र बना दे आसान कर दे अगर बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे इसे इस मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे बेहतर दे दे इसतारे में ये ज़रूरी है कि बबा जी आके आपको बताएँगे कि बच्चे ये काम कर लो बाबा जी का इंतज़ार नहीं करना इसतखारे में ये अल्लाह ताली ये काम अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरा जहन इसकी तरफ माइल कर दे मेरा दिल इसकी तरफ झुका दे तो अगर आपका जहन अगर इस्तारा अल्लाह ताला ने आपको वाक़ता में मशवरा दे दिया और अल्लाह ताला देते हैं अपने बंदे को अल्लाह से खैर मांगता है अल्लाह ताला देते हैं साहबा कहते हैं कि अल्लाह के सलम हमें इसखारा इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान की कोई आयत होती है हर छोटे बड़े मामले में हम अल्लाह से मशवरा करते थे तो अगर आपका रुझान और जहन जहनी मैलान उस तरफ हो जाता है जिसके लिए आपने इस्तारा किया तो वो काम कर लें अगर नहीं होता है तो उससे बच बचें तो है कि अगर अल्लाह ना करे कोई डिसीजन गलत भी हो गया तो कोई हरज वाली बात नहीं है दुनिया में कितने डिसीजन ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान से कोई गलती हो जाती है है अल्लाह ताला ने इसी तरह बनाया दुनिया को तो इस्खारा बेसिकली क्या है अल्लाह से खैर तलब करना और इसमें अपने कल्ब के रुझान को देखे दिल के रुझान को देखे ना कि इस तरफ जाए कि कोई बाबा जी आके उसको बता क्यों नहीं रहे और एक और बड़ी चीज़ मैंने देखी है इसखारा करने के बाद लोग सो जाते हैं सोते में जो भी ख़्वाब देखते हैं जी आप इसकी ताबीर बताएं भाई ख़्वाब तो आप रोजाना देखते हो मतलब रूटीन का हिस्सा है ना आप जो उल्टा सीधा ख्वाब देखा अब उसे इस्ते ख़ारा निकालना शुरू कर देने ऐसा नहीं अल्लाह ने अगर आपको ख़्वाब में बताना है और अल्लाह ताला बता भी सकते हैं ख़्वाब में किसी को इशारा दे सकते हैं मना भी तो नहीं है लेकिन अल्लाह ताला पहलियाँ नहीं भुजवाएँगे क्लियरली बताएँगे फिर वो ख्वाब बहुत क्लियर होगा उसकी ताबीर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट क्या है शादी से पहले जो मसाइल हैं उनमें से एक एक तो हमने कहा कि शादी के बारे में तस्वूर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है दूसरा आइडियल रिश्ते के हवाले से जो मसाइल हैं और तीसरा शादी करने के हवाले से जो मुश्किल हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है चौथा मोहब्बत के मसाइल एक नौजवान ने कहा जिस लड़की को देखें ऐसा लगता है कि उस पर क्रश हो गए मतलब हर लड़की जैसे मतलब उससे मोहब्बत हो गई बस समझ नहीं आ रही मुझे अपनी ये कैफियत ये क्या है ये महब्बत है मैंने कहा नहीं ये लव नहीं है ये लव एनर्जी है कहना कि लव एनर्जी क्या होती है है ना कि मिसाल से समझाता हूँ जैसे बच्चा है ना उसके अंदर एनर्जी है मिसाल के तौर पे एग्रेसिव एनर्जी है स्कूल में अपने क्लास फैलो की पेंसिल तोड़ देगा शार्पनर तोड़ देगा ये उसकी एनर्जी है ये बाहर निकलना चाहती है कहता कैसे निकालें मैंने कहा टारगेट दें अगर किसी बच्चे में अग्रेसिव एनर्जी ज़्यादा हो उसको फुटबॉल खेलने पे लगा दें जितनी मर्जी कोट लगाए उसकी एनर्जी रिलीज़ होगी अब घर में शिकायतें आना कम हो जाएंगी कि बच्चों को वो कोट लगा के आता है क्लास में मैंने कहा इसी तरह हर इंसान के अंदर लव एनर्जी है इस एनर्जी को जब रिलीज़ होने के लिए कोई टारगेट नहीं मिलता तो ये हर जरा जगह मैग्नेट की तरह चिपकने की कोशिश करती है तो जहाँ तुम्हें नज़र आता है कोई थोड़ा बहुत हुसनों जमाल तो तुम्हें लगता है जैसे यही मेरी महबूबा यही मेरी माशूक है टारगेट तलाश कर लो टारगेट क्या है शादी कर लो शादी करने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा स्पेसिफ़िक पर्सन की मोहब्बत बहुत कम होती है अमूमा लव एनर्जी होती है तो उस लव एनर्जी को टारगेट मिल जाए शादी की सूरत में तो वो गायब हो जाती है ख़त्म हो जाती है यानी मोहब्बत के मसाइल आम तौर तो पर शादी से हल हो जाते हैं हाँ अगर वाक़ता किसी स्पेसिफ़िक पर्सन की मोहब्बत हो तो वो शादी के बाद भी रहती है लेकिन उमूमन ऐसा कम होता है अमूमन ऐसा कम होता है एक लड़के के केस मेरे पास आया उन्हें शादी कर ली अपने वालदेन के कहने पर अच्छा जिस लड़की से उसको मोहब्बत थी मुझे कहने लगा वो क्रिश्चियन है शादी कर लूँ मैंने कहा यार इस्लामिकली तो मैं कहता हूँ ठीक है लेकिन तुम्हारे वाले इतना कह रहे हैं तो तुम वाले का मान लो बुजुर्ग हैं बूढ़े हैं अब तुम क्या मतलब वो यही कहते हैं यार क्रिश्चियन फैमिली में कर लेगा पूरे ख़ानदान में क्या वो होगी हो खैर वाले के कहने पर उसने शादी कर ली एक महीना नहीं गुजरा कहता मैं एक दिन भी उसके पास नहीं गया मैं जा ही नहीं सकता और आप कहेंगे छः महीने और गुजार लूँ साल और गुजार लूँ मैं नहीं जा सकता मुझे पता है स्पेसिफिक पर्सन की जो मोहब्बत होती है ना वो बहरल साइकोलॉजिकल ईशूज़ पैदा कर सकती है लेकिन ऐसा कम होता है अमूमा स्पेसिफिक पर्सन की मोहब्बत नहीं होती सिर्फ धोखा होता है लव एनर्जी होती है कहीं भी टारगेट मिलेगा मसला हल हो जाएगा बच्चे की कहीं भी शादी कर दें छोटी मोटी जिसे मोहब्बतें कहते हैं सीरियस मोहब्बतें बहुत कम होती हैं खैर बार हम सब के नाम से एक वेबसाइट है तो वहाँ पे एक पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर थी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा आर्टिकल ये था कि लड़की आके मुझे कहती है कि मैडम मुझे लड़के अच्छे लगते हैं मुझे लड़के बहुत पसंद हैं इस पर यह टाइटल था इस पर आर्टिकल उन्होंने लिखा और कहा कि ये फितरी बात है यूनिवर्सिटी में लड़कियां आती हैं उनको लड़के अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ मज़हबी लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है कि इस फितरत के ख़िलाफ़ जो है ना वो बंद बांधने की कोशिश करें इसमें कोई शक नहीं कि ये फितरी बात अच्छा इसके जवाब में मैंने एक आर्टिकल लिखा मैंने कहा मेरे पास एक लड़की आई थी और वाक़ता में आई थी और जब वो मेरे पास आई मतलब काउंसलिंग के लिए जैसे आम तौर पर अच्छा हमारे एक और मसला है महबी लोगों के लिए यहाँ बहुत स्पेस है काम करने की हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो साइकोलॉजी वालों का काउंसलिंग सेंटर बना हुआ है बच्चे आए वहाँ से काउंसलिंग वगैरह लें कुछ बच्चे मेरे पास आते थे मैं कहता हूँ यार वहाँ जाओ ना सेंटर में मतलब बना हुआ मैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं मेरा तो इस्लामिक स्टडीज़ फील्ड है और सही बात यही है लेकिन मुझे साइकोलॉजी से दिलचस्पी है मैं पढ़ता पढ़ता रहता हूँ कहते सर वहाँ से होके आ गए वहाँ से हम होके आ गए आप हमें बताएं मजहबी आदमी मजहब जो है ना हमारे लोगों के जीन्स में है। हम उसको निकाल नहीं सकते हमारे यहाँ जो मॉडर्न साइकोलॉजी की जो अप्रोच है ना कि मजहब को बाईपास करके इनका मसला हल करो उनका जहन एक्सेप्ट ही नहीं करता उस सोलूशन को उनका जहन एक्सेप्ट ही नहीं करता तो मज़हबी आदमी से उनको ज़्यादा इतमान होता है तो अब वो मेरे पास भी आ जाते हैं तो उस लड़की का पहला जुमला यही था कि सर मुझे लड़के कमीने लगते हैं फिर मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा तो कहने का मकसद ये है कि अब एक लड़की का बयान वो है वो ख़ातून जो कह रही हैं कि वो ये कह रही है वो भी सही कह रही होगी लेकिन वो उस लड़की का बयान है जिसको लड़कों से अभी वास्ता नहीं पड़ा और जिस लड़की का बयान यह है कि लड़के मुझे कमीने लगते हैं जहर लगते हैं अब मुझे अपने इर्द गिर्द हर बंदा भेड़िया लगता है इवन के उस्ताद भी और मुझे लगता है कि वो बस उसकी नज़रें जो है वो मेरे वजूद पे ज़्यादा है ये यहाँ तक कैसे पहुँची है क्योंकि इसका लड़कों से वास्ता पड़ चुका है एक फ्रेंच राइटर भी थी ना जिसने लिखा था कि मर्द जो है ना बड़े कुत्ते लगते हैं खैर उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन की गई बहुत बड़ी राइटर थी कि उसके कहने का क्या मतलब था कि मर्दों के जितने करीब जाएं कुत्ते उतने अच्छे लगते हैं एक तो ये माना किया गया कि मर्दों के जितने करीब जाएं वो ये कहना चाहती थी कि, कि कुत्ते उतने अच्छे लगते हैं मतलब कुत्ते उनसे बेहतर लगते हैं ये बहुत बड़ी राइटर है ये उसका जुमला है दूसरा ये भी था कि जितना उनके करीब कुत्ते यानी वो मर्द कुत्ते उतनी अच्छे लगते उसमें भी वो मजम्मत ही कर रही है दोनों दोनों मानी मुराद लें तो कहने का मकसद ये है कि वो जो प्रोफेसर साहिबा थी वो एक एंगल दिखा रही थी देखिए ना ख़ास तौर पे लड़कियों का ये जो एज होती है ना बलुगत की ये बहुत ख़तरनाक एज होती है इसमें ख़ास तौर पर पे पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है उनको कंपनी देने की और वालदा को और टाइम देने की क्योंकि इसमें शूर कम होता है इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं लड़कों के लिए भी तौर तो पर उसमें ज़रा तवज्जो ना होना तो वो इधर उधर और फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा फिर ऐसा-ऐसा जब शुरू गालिब आता है ना जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है तो फिर समझ में आता है कि नहीं ये मसाइल इतने सीधे नहीं हैं जितने नज़र आ रहे हैं दुनिया में मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारे गम हैं अब ये जो हमारे यहाँ हॉस्टल लाइफ है ख़ास तौर पर इसने बहुत मसाइल पैदा किए सोशल ऐशूज़ ख़ास पर गर्ल्स हॉस्टल और उसमें भी तो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं दूसरे शहरों से लड़कियां आती हैं होम सिकनेस का शिकार हो जाती हैं अब लड़कियों की जैसे हमने कहा कि एक बुनियादी जरूरत है उन्हें कंपनी चाहिए ठीक है और लड़कों को यह बात समझ में आती है वो उनको पिटाते हैं आप देखें कि ये खैर बहुत अब मैं तो खुद एक यूनिवर्सिटी में बैठा हूं मुझे अंदाजा इस चीज का एजुकेशन सेक्टर में क्या सूरत हाल है अब कुछ चीज़ें तो रिपोर्टों में आ गई हैं ना अब सैनट कमेटी ने ये बात कही थी कि इस्लामाबाद के स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ की नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी की नहीं स्कूलों में फोटी सेवन परसेंट बच्चा ड्रग्स के ऊपर है सिगरेट नहीं ड्रग्स के ऊपर वो आइस नामी जो नशा वगैरह बहुत मसाइल हैं जब आते हैं यहाँ पर उनके मोहब्बत के मसाइल शुरू होते हैं पहले दो सेमेस्टर्स में अगले दो समेस्टर्स में उनको फिक्र लगती है कि सी जी पी ए कम हो रहा है वो डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए वो सिगरेट नोशी की तरफ आते हैं नशे की तरफ आते हैं उससे अगले दो सेमेस्टर में फिर वो बार करना शुरू कर देते हैं अपने ख़र्चे खुर्चे पूरे करने के लिए फिर क्या यूनिवर्सिटी से छठे सेमेस्टर में आउट हो जाते हैं सातवें में या जो डिग्री भी लेके जाते हैं तो वो क्या मतलब क्या उनका सी जी पी होता है टू भी नहीं होता तो ये को एजुकेशन ने बहुत बेड़ा कारक किया है बहुत ज़्यादा बेड़ा कारक किया है मतलब कुछ कह नहीं सकते इस मामले में तो अब अगर कोई बात कही जाए कि जी आप मौलवी हैं आप कंज़र्वेटिव हैं मैंने एक मर्तबा अपनी क्लास में अभी मेरे पास वो डेटा महफूज है बच्चों को असाइनमेंट दी अच्छा मैं इस किस्म के असाइनमेंट बच्चों को देता था मैंने कहा ऐसा करो कि आप ने असाइनमेंट आपने क्या करनी है कि आप यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं बच्चों के ग्रुप्स बना दिए ना तीन तीन चार चार के आपने उनसे पता करना है कि जो ग्रेड्स कम आते हैं उसके क्या फैक्टर्स हैं बच्चों के ग्रेड्स पहले सेमेस्टर में कुछ होते हैं फिर दूसरे में और कम तीसरे में और कम हो जाते हैं उसके पीछे फैक्टर्स के हैं तो जो फैक्टर्स उन्होंने बताए उन फैक्टर्स में सबसे टॉप पे जो था ये बच्चों की वो वीडियोस रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जो ख़ुद बच्चों ने स्टूडेंट्स ने बताए को एजुकेशन था कि हमारी तवज्जो जो है वो जिनसे मुखालिफ की तरफ डाइवर्ट होती है एक खातून ने मेरे कालम के जवाब में एक और कालम लिखा कहती हैं बात यह है कि जस्ट फ्रेंडशिप भी तो हो सकती है महज दोस्ती अच्छा इसको कहते हैं प्लेटोनिक फ्रेंडशिप अफलातूनी दोस्ती यानी जिसमें आपका कोई सेक्शुअल पीछे डिजायर ड्राइव मौजूद नहीं है जस्ट स्टडी के लिए ग्रुप्स बने हैं असाइनमेंट्स आप करना चाहते हैं एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं जैसे लड़के लड़कों के दोस्त हो सकते हैं लड़कियाँ लड़की जस्ट फ्रेंडशिप तो कुछ चीज़ नहीं है अच्छा तो ये वो लोग हैं कि जो यूरोप की नकाली करते हैं लेकिन यूरोप ने जो कुछ पब्लिश कर दिया सोशल साइंसेज में उसको भी नहीं पढ़ते इस पे मैंने कुछ स्टैटिस्टिक निकाली जनरल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप है ये इसके 2000 में एक आर्टिकल हुआ जिसमें उन्होंने 300 कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि जस्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि नहीं तो उन्होंने कहा जस्ट रिलेशनशिप से ताल्लुक शुरू हुआ था 67 परसेंट ने कहा कि वो वहाँ तक पहुँच गया सेक्शुअल डिज़ायर तक पहुँच गया तो इस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है अगर है भी तो उसका एंड रिजल्ट यही कि महज दोस्ती महज दोस्ती क्या होती है मुखालिफ़ जेंडर के साथ महज दोस्ती मुमकिन नहीं है और काफ़ी सारी मैंने रिसर्च के हवाले दी हैं जो वेस्ट में पब्लिश हुई हैं मुख्तु यूनिवर्सिटीज़ से तो ये कहना कि जी मौलवी के दिमाग में सेक्स बैठा हुआ है जहाँ लड़का लड़की उसको नजर आता है उसको ये लगता है कि नहीं मौलवी के दिमाग में कुछ नहीं है ये सारी किसी जम शर्फिया से पब्लिश होने वाली रिसर्च नहीं हैं तो अगर आप मतलब देखें कि साइबर क्राइम्स क्यों हो रहे हैं ठीक है तो अब साइबर क्राइम्स के पीछे वजह क्या है सेक्सुअल हरासमेंट क्यों हो रही है ठीक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर फिर इसी तरह से आप अब देखें कि कोर्ट मैरिजेज़ हो रही हैं चर्च फ्रेंडशिप के नतीजे में कोर्ट मैरिज थोड़ी होगी सारी यहाँ पे हो रही हैं बच्चों का सीज भी कम हो रहा है बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं ये फैक्टर्स सब बता रहे हैं कि जस्ट रिलेशनशिप या जस्ट फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं है। उसका नतीजा वही है बहरहाल अपने आप को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है ये वो वाली बात है मोहब्बत के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा है और ये मोहब्बत और उससे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं अब वो देखें ना जैसे अभी पिछले दिनों का वो वाक़ है कि वो औरत प्रेग्नेंट हुई थी और वो, वो हॉस्पिटल में ले के आया और वो फोत हो चुकी थी ये वाकयात बहुत आम हो चुके हैं बहुत आम हो चुके हैं किन माने इंसान परेशान हो जाता है और अभी भी वालदेन को समझ नहीं आती है और वो वक्त पे शादियां नहीं कर रहे एक तरफ ये इंतहा है कि लड़की को घर में फोन रखने की इजाज़त नहीं है यानी घर का माहौल इतना स्ट्रिक्ट है इतना सख्त है लेकिन वही लड़की बाहर चार मर्दों से ताल्लुक़ क़ायम कर चुकी है यह सूरत हाल और दूसरी तरफ एक लड़का मशवरा कर रहा है सर घर वाले मेरी कज़न से शादी करना चाहते मैंने कहा कर लो नहीं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही मैंने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही तो क्या मसला है यानी उसको ये मसला था कि लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती मैंने कहा तुम नहीं पढ़ते रहे कहते मैं पढ़ता रहा हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको नहीं पता सर खैर मैंने उसे समझाने की कोशिश की मैंने कहा भाई ये तुम्हारी सोच इस तरह से दुरुस्त नहीं है कि जो लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो करप्ट है ठीक है तुमने यूनिवर्सिटी का माहौल देखा है वो माहौल उसमें गंदगी है माना लेकिन ये कहना कि हर लड़की करप्ट है ये ठीक नहीं है ये तुम्हारी सोच ठीक नहीं तो दूसरी तरफ अब वो उस इंतहा पर भी सोच जा रही है तो ये मोहब्बत के मसाइल जितने पैदा हो रहे हैं और उससे जो करप्शन पैदा हो रही है सोसाइटी में वाले के साथ बच्चे खयानत कर रहे हैं बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मुँह मारी कर रहे हैं फिर आगे जो उनकी शादियाँ होंगी और अपने शोरों से जो खयानत करेंगे तो इंसान क्या करे सारे माहौल के अंदर क्या करे इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने आग और पानी को इकट्ठा कर दिया और बस ओ जी अभी तो बच्चे हैं ये है फलाएँ डिमकान है, है। पाँचवीं आठवीं दसवीं तक उनको अलीहदा रखा जब वह बलूगत और जवानी की उम्र को पहुंच गया तो उनको इकट्ठा कर दिया खैर बहरल <coughs> नेक्स्ट हमारा है हैलहदगी के मसाइल तलाक़ या डाइवोस या खुला खुला औरत की तरफ से होती है तलाक मर्द की तरफ से होती है इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उससे फिर जो मसाइल पैदा होते हैं मियाँ बीवी के लिए या ओलाद के लिए और फिर तलाक़ के शरी मसले यानी उसके तरीक़ेकार को हम कुछ डिस्कस करेंगे देखिए एक बात तो यह है कि हमारे यहाँ तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और शो भी इसकी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा अब कहीं पे मैं पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में मैंने किताब में इसका हवाला दिया है मैं तो नहीं जानता अब ये कौन है ख़वात लेकिन बहरल नाम इनके मरूफ ही होंगे किसी ने आर्टिकल में लिखे हैं माहिरा ख़ान अंबर ख़ान नादिया ख़ान सनम बलोच इनकी तलाक हो चुकी उमर शरीफ खैर इनको तो मैं जानता हूँ इसकी दो शादियाँ नाकाम हुई हैं शमून अब्बासी की तीन नूर बखारी की चार और अभी उनकी कोई पाँचवीं हो रही है कोई ऐनी ख़ालिद हैं उनकी शादी छः माह चली है सताइश खान की एक माह अरीज फ़ातमा की दो हफ्ते लंबी चौड़ी फहरिस्त है वीना मलिक मतीरा फ़लॉँ डमकान सारा ख़ान अली, मोहसिन अब्बास हैदर और फलां ये वो पता नहीं कौन है बहल शोबिस के लोग हैं बहुत ज़्यादा सेपरेशन, डाइवोर्स दो दो हफ्ते दो दो महीने छः-छः माह चार चार शादियाँ पाँच पाँच शादियाँ एक तो ये इंतहा है ये इंतहा भी उस वक़्त पैदा होती है जब आप मज़हब से दूर हो एक बात तो हमें जेन में रखनी चाहिए कि सारे लोगों को हम मजहबी नहीं बना सकते बहुत से लोग शायद आपकी तबलीग से शोबिस छोड़ आएंगे जैसे कुछ लोगों ने छोड़ा भी शोबिस को है सारे आपकी तबलीग से नहीं छोड़ेंगे कम से कम इंसान को ये काम कर लेना चाहिए कि भाई जहाँ पे हो वहाँ कोई दीन का काम कर लो वहाँ कोई ख़ैर का काम कर लो इस पे लोगों को ले आना चाहिए और अगर कोई बंदा इतना कर लेगा ना तो इन से उसकी मैरिटल लाइफ भी अच्छी गुजरेगी जैसे सही बुखारी की रवायत में कि एक तवाइफ़ ने क्या किया कुत्ते को पानी पिला दिया कोई तो खैर का, का काम करो एक इंडियन शो है टाक शो उसका नाम अब मेरे जहन में नहीं अवाम की अदालत या आपकी अदालत ऐसे करके है वो मुख्तलिफ जो है ना वो सेलिब्रिटीज़ आती हैं फिल्मों के जो हीरोज होते हैं वो आते हैं वो अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं तो मैं ज़रा पर्सनलिटीज़ में ना दिलचस्पी रखता हूँ बायोग्राफी से मुझे बड़ी दिलचस्पी है कि लोगों को क्या सोचें कैसे वो यहाँ तक पहुँचे एक दफ़ा वो बॉलीवुड का हीरो है गोविंदा उससे वो इंटरव्यू ले रहा था तो उससे पूछ रहा था फिल्मों में आने की उसकी हिस्ट्री तारीख कैसे आया तो उसने एक जुमला कहा गोविंदा ने कहता है, पहली मरतबा जब मैं आया ना तो लड़की ने मुझे हाथ लगाया और मैं शर्म के मारे कांप रहा था लेकिन दो महीने बाद ये हालत थी कि मैं लड़की को हाथ लगाता था और वो कांपती थी मतलब उस दुनिया ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया ये उसके अपने अल्फाज एक दफ़ा आमिर ख़ान से वो इंटरव्यू ले रहा था तो आमिर ख़ान कुछ ना अपने वो चीज़ें एडमिट कर रहा था उसने एक बात कही कि मैंने जवानी में अपना खून निकाल के ख़त लिखे लव लेटर्स लिखे लेकिन मैं नौजवानों को कहता हूँ ऐसा ना करें मतलब हमने बहुत गलत काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए या फिल्मों में हमने ऐसे ऐसे सीन किए जो हमें नहीं करने चाहिए जहाँ पे वो गोविंदा ना बनो आमिर ख़ान बन जाओ कोई पॉजिटिव काम कर दो जहाँ पे आप हो आप उस गंदगी से अगर नहीं भी निकल सकते वहाँ रहते हुए कोई खैर का काम कर दो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर देंगे वरना तो ज़िंदगी अजाब होगी बाहर से ग्लैमर है लेकिन अंदर से क्या है एक अजाब है तो हम ये बात कर रहे थे कि तलाक़ और खुला की जो वजूहत हैं उनमें से एक तो ये मददियत परस्ती है मटीरियलज़म है कि इंसान मादे में सुकून तलाश कर रहा है और मादे में सुकून नहीं है डिप्रेशन का इलाज क्या निकाल रही है बाहर जाके शॉपिंग कर लें वो वक्ती तौर तो पे ठीक है दिल बहल जाएगा लेकिन मसला तो हल नहीं होगा ना भाई आप पिल्स ले लेंगे नींद आ जाएगी मसला तो अपनी जगह पे खड़ा है आठ घंटे बाद आप जागेंगे तो फिर फिर डिप्रेशन हो जाएगा तो ये मसले का हल नहीं है अगर आप पेन में हैं दूसरी जगह रिलेशनशिप लगा लो दूसरी जगह रिलेशनशिप में क्या होगा वक़ती तौर तो पे मज़ा आएगा फिर उसके बाद पेन तो है मादे में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा मादे में सिर्फ मादे में नहीं अल्लाह ने सुकून रखा है नेकी में अलाबिक्रत्माकलूब कोई खैर का काम करके दिखा दो जहाँ बैठे हो ना गंदगी के ढेर में भी, भी बैठे हो कोई खैर का काम करोगे ना अल्लाह तुम्हें तो कुछ ना कुछ सुकून दे देगा इतना दे देगा कि जिंदगी तुम्हारी सुकून से गुजर जाए वरना नहीं देगा वो मन आरदा ज़िक्री फ़ैनलो मैशत जनका जिसने हमारे जिक्र से इराज़ किया हमें बुला दिया उसकी ज़िंदगी हम तंग कर देंगे दो बड़ी वजूहत हैं तलाक़ और खुलाकी वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन मर्द की तरफ से जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये कि ये जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होती है जब उसकी सेक्सुअल ड्राइव जो है या सेक्शुअल पूरी ना हो अपने लाइफ पार्टनर से फिर वो सेपरेशन का सोचता है या सेकंड मैरिज का सोचता है या सेपरेशन का सोचता है सेकेंड मैरिज की तरफ बात इसलिए नहीं जाता कि कानून भी अगेंस्ट है सोसाइटी भी ख़िलाफ़ है कानून भी साथ नहीं ना देता हमारे यहाँ कोर्ट्स ने फैसले किए हैं छः माह के लिए अंदर कर दिया दो लाख जुर्माना कर दिया दूसरी शादी पर बीवी से इजाज़त नहीं ली और बीवी से इजाज़त भी वो पूरा एक क्या कहना चाहिए उसको एक ड्रामा है मतलब बीवी से इजाज़त नहीं ये नहीं आपने कागज़ पे लिखवा दिया ये भी नहीं कि स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया नहीं 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 वो आप यूनियन कौंसिल में जाएं दो बंदे बीवी के ख़ानदान से दो बंदे शोहर के खानदान से चार बंदे ही हो गए पाँचवा चेयरमैन यूनियन काउंसिल का ये पांच बंदे बैठ के ये कमेटी फैसला करेगी कि इसको सेकंड मैरी की इजाज़त देनी है कि नहीं वो है असल में बीवी की इजाज़त जो कभी भी ना हो मतलब कहने का मकसद ये तो अब ये जो चीज़ है ना ये मर्द को सेपरेशन की तरफ फिर ले जाती है वो ये कहता है कि जब मैंने शादी इसलिए की थी गुनाह से बचने के लिए कि शादी के बाद भी मैंने अगर गुना की ज़िंदगी बसर करनी है तो मुझे इतना खकेड़ पालने की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत है तो वो उस तरफ चला जाता है औरत का मसला क्या हमने कहा कि उसकी बुनियादी ज़रूरत रोमांस है जब वो पूरा नहीं होता शोर उसको वक्त नहीं देता कंपनी नहीं देता उसकी तारीफ़ नहीं करता उसके साथ बैठता नहीं है खेल कूद नहीं करता तो वो अब जहरी बात है कि उस उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती जब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती कि एप्रिसन नहीं होती उसकी मर्द की तरफ से तो अब वो दूसरी तरफ निकल जाती है आहसा आहसा तो दो बड़ी वजूहत जो है ना वो ये हैं और बहुत ख़तरनाक हद तक जो खुला की रेशो जो है वो बढ़ती चली जा रही है यानी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके मुताबिक सऊदी अरब में एक घंटे में तकरीबन पाँच सेपरेशन हो जाती हैं और मिसर में सौ में से चालीस शादियाँ जो है वो सेपरेशन पे मतलब फोर्टी परसेंट शादियाँ सेपरेशन पे मंतज होती पाकिस्तान का मामला ये है कि सिर्फ कराची में एक साहब ने बताया वो किसी यूनियन कौनसिल में थे कहने लगे सच्ची बात ये कर रहा हूँ इतने निकाह रजिस्टर नहीं होते जितने तलाक और खुलाकेसज़ आ जाते हैं हमारे पास ये सूरत हाल है तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सेपरेशन और खुला और तलाक़ ये मसाइल का हल नहीं है उसकी वजह यह है कि जब आगे आप रिलेशनशिप कायम करेंगे तो वहाँ भी वही मसाइल होंगे क्योंकि वो वो भी इसी सोसाइटी का ऐसा वो भी ऐसे ही इंसान है और उमूमन ये होता है कि इंसान आसमान से गिरा खजूर में अटका उससे भी बदतर लाइफ पार्टनर मिल जाता है ठीक है एक से तलाक ली पच्चीस साल की उम्र में यानी ऐसे भी केसेस सामने हैं पच्चीस साल की उम्र में एक से तलाक ली खातून ने पंद्रह साल इंतज़ार किया चालीस साल की उम्र में जो मिला वो उससे बदतर था और वो पहले के टूटने के बारे में रो रही थी कि वो क्यों टूटा वो क्यों छोड़ दिया वो उससे बहुत अच्छा था और फिर पंद्रह साल के बाद ये मिलना था जल्दी नहीं करनी चाहिए तोड़ने में तो एक तो ये इंतहा है कि ये टूट फूट और सेपरेशन खुला तलाक डाइवोर्स बहुत ज़्यादा बात बात में तलाक या औरतों के अंदर बिल्कुल ही बर्दाश्त अच्छा जो औरत कमाने वाली होगी ना इंडिपेंडेंट होगी और ये भी आप नोट कर लें जो मुलाजमत पेशा औरतें हैं ना वो ज़्यादा खुला की तरफ जाती हैं इंडिपेंडेंट है रेशो ज़्यादा है उनकी जो डिपेंडेंट होगी वो फिर कुछारा कर लेगी अच्छा चले खुला ले ली उसका राइट है उसके बाद क्या करेगी वो एक साल का जज्बाती बुखार होता है उस साल के बाद फिर क्या है जब माँ बाप के घर में है तो जहरी बात है माँ बाप ने भी उस वक़्त नॉर्मल हो जाने और दो साल बाद माँ को गालियाँ दे रही होती है ऐसे केसेस मैंने देखे मेरी माँ ने मुझे पट्टी पढ़ाई थी इसने मुझे उस वक़्त कहा था अब उसके दो बच्चे भी हैं ना माँ उनको देखती है ना बाप उनको देखता है भाबियाँ उसको बातें बनाती हैं अब उसको समझ में आती है बात कि खामद की तरफ थी कम से कम खामंद की तरफ तो थी ना एक की सुन रही थी यहाँ तो दस की सुन रही जल्दी नहीं करनी चाहिए रिश्ता तोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए कहने का मकसद ये ना शोहर को और इसी तरह शोहर भी लोलो -लो फेरते हैं कितने ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं तलाक के मसले में जी फतवा दे दें फतवा दे दें दे दे, कोई फतवा दे दें बस तो मैंने कहा भाई किस फिक्र से ताल्लुक़ है आपका जी हनफ़ी हूँ मैंने कहा भाई हनफ़ी ये कहते हैं कि तुमने एक वक्त में तीन तलाके दी ना तीन हो गई कहते मुझे पता है हनफी ये कहते हैं आपके पास मैं इसलिए नहीं आया कि हनफी क्या कहते हैं आपके पास इसलिए कि आप क्या कहते हैं अच्छा मैं जानबूझ के उनको कहता हूँ मतलब यह है कि इंसान इसका मतलब यही है ना कि उसने गलत फ़ैसला किया जज्बाती फैसला किया वो उसके ऊपर कायम नहीं रह सका वह फ़तवे ढूंढ रहा है वो अब ये भी कह रहा है कि मैं अपने स्कूल ऑफ थाट से भी निकलने को तैयार हूँ जिससे कभी उसने निकलने का सोचा ही नहीं और फिर जब एहदीश के पास जाते हैं तो वो तो सबसे पहले ये कहते हैं हाँ दरबारों पे नहीं जाओगे फिर हैं ये बेदाज ये खुराफात नहीं करोगे फिर हम तुम्हें फतवा देते हैं बताओ फिर वो सारे काम करने पर तैयार हो जाते तो इसको एक तो देखना चाहिए और दूसरी इंतहा ये है कि खुला को मतलब शजर ममनूा बना लेना यानी वो वरख जिसका हजरत आदम आदमा ने फल खा लिया था ये एक दूसरी इंतजार एक रवायत अगरचे है कि हलाल चीज़ों में सबसे बबहूज़ नापसंदीदा चीज़ क्या तलाक है लेकिन ये रवायत ज़यीफ़ है ये रवायती ज़ीफ़ है हाँ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने साथ रहने को पसंद किया है जोड़ने को पसंद किया ये बात तो ठीक है समझ में आती है सेपरेशन को ताल्लुक़ ख़त्म होने को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने सूरत तलाक भी नाजिल किया किस लिए नाजिल किया यही बताने के लिए कि भाई ये भी एक हल है यानी तलाक भी एक सुलूशन है मसाइल का जब कोई हल ना हो तो फिर उसका हल क्या है सेपरेशन बिल्कुल अपने आप को इस तरह से मत बांध लो कि अब ज़िंदगी अजाब है तो बस इसी अजाब में गुजार देनी है मतलब तुम्हारा जिस घर में डोली कीजिए वहाँ से जनाजा निकलना चाहिए ये हमारे यहाँ की सोच होती है ना ये भी नहीं ये भी नहीं, ये नहीं होनी चाहिए तो दोनों इंतहाएँ हैं दोनों इंतहाएँ हैं एक ये कि तलाक का नाम लेना ही जो है वो गोया के गुनाह कबीरा बना दिया जाए और एक ये है कि बात बात पे जो है वो तलाके दे रहा हो ठीक तो अल्लाह के रसूल वसलम के ज़माने में हमें मिलता है सहाय कराम के यहाँ ये चीज़ नार्मल थी निकाह भी बहुत बहुत नार्मल एक्टिविटी थी हर जाबिर अल्लाह के रसूल के पास आए कपड़ों पर खुशबू लगी हुई मतलब ज़रान की मतलब वह खुशबू जरा कलरफुल होती थी तो कलर की वजह से आपल्लम ने पहचाना जाबिर ख़ैरियत है जी मैंने निका कर लिया करीबी साथियों से और अल्लाह के से सलम को मतलब मतलब नहीं इनवाइट किया ना और आप से सलम के मतलब वलीमों की अब आप, आप देखें बाज बाज़ात आप से सलम ने दो मुद जऊ से वलीमा किया दो मुद क्या है हज़ार बारह सौ बारह सौ ग्राम हज़ार बारह सौ ग्राम क्या होता है और कभी आपका जो बेहतरीन वलीमा था वो एक बकरी एक बकरी से जो मैसर था एक मरतब ये भी हुआ कि शादी अल्लाह के सलम के पास जो भी साहबा थे पंद्रह बीस हाँ भाई अपने घर में जो कुछ है ले आओ कुछ जो ले आया कोई खजूर ले आया कोई घर वालों को दिया उन्होंने एक हलवा सा बना के दे दिया सब ने बहुत सिंपल रखा आप सलम निका को बहुत सिंपल रखा बहुत सादा रखा आसान किया निका को हमारे यहाँ नहीं है कि जैसे जना बहुत आसान हो गया मतलब एक क्लिक के फ़ासले पर है ना जना या रास्ते में खड़ी होती हैं औरतें पाँच सौ हज़ार रुपये में निकाह को हमने इतना मुश्किल कर लिया पंद्रह बीस लाख एक स्टूडेंट में देखा सर पंद्रह बीस लाख मेरा लग गया बहुत मुश्किल कर दिया हमने निकाह को वहां निकाह बहुत आसान था अच्छा तलाक में कोई टेंशन नहीं है एक से तलाक ली दूसरी जगह इसलिए कि सेकेंड मैरिज आसान थी सेकेंड मैरिज के लिए एक्सेप्टेंस थी सेकेंड मैरिज के लिए एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ औरतों ने अब यहाँ पे ख़त्म कर दी अब हमारे यहाँ उर्फ ववाज नहीं रह गया और उसको बहुत गुनाह बना दिया गया मर्द के लिए यानी अजीब नज़रों से देखा जाता है अच्छा इसने दूसरी शादी की और फिर औरत को भी पता नहीं इसके अंदर क्या आय था कि तो उसने दूसरी शादी कर ली अब क्या हुआ कि अब वो एक ही है बस उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो अगर सेकेंड मैरिज आम होती जैसे कि अरबों में थी तो औरत भी आराम से सेपरेशन लेती कोई टेंशन नहीं कोई मसला नहीं कोई दबाव नहीं कोई प्रेशर नहीं दूसरी जगह उसकी शादी हो जाती और ये अरबों में आम था बहुत तलाश कर लें जान मार लें दो साहब आपको मिलते हैं मुश्किल से कि जिनकी एक बीवी थी अक्सर दो तीन चार शादियों वाले तो आम था उनके यहाँ ये मामला बहुत आम था एक औरत ने एक निकाह किया फिर दूसरा तीसरा चौथा आम औरतों में भी आम था ये निकाह जो है वो कर लिया करती थी तो ये इसको भी बिल्कुल जो है ना वो सेपरेशन हो गई अब जैसे मर गए मतलब क्या ठीक है एक जिंदगी में एक डिसीजन लिया था नहीं कामयाब हुआ चलो दूसरी मरतबा कर लेते हैं तो अरबों में तो ऐसा मिजाज नज़र आता है कि जैसे शादी ऐसी मामला है जैसे बाज़ार से जाके कोई चीज़ ख़रीद लाए मार्केट से हैं चलो चौदह एक मरतबा नाकाम हो गया दूसरी मरतबा सही ले आएंगे तो ये मामला था तो इसको जहन पर सवार भी नहीं करना चाहिए उस वक़्त जब हो जाए जब सेपरेशन हो जाए नॉर्मली और दूसरी शादी को जो है ना हमारे माशरे में मतलब रवाज देना चाहिए उससे क्या होगा ख़ास तौर पर जो बेवा खातों खत खा, हैं और डेवोर्स हैं और जो मुख्तले हैं जिन्होंने खुला वगैरह लिया हुआ सारी ज़िंदगी बेचारी बैठी रहती हैं उनको कोई सहारा मिल जाएगा लास्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है तलाक तलाक के हवाले से कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि अक्सर लोगों को तलाक देने का शरी तरीक़ा नहीं मालूम खैर वैसे तो उनको निकाह का भी नहीं मालूम होता लेकिन तलाक का भी नहीं मालूम और उमूमा लोग यही समझते हैं कि जैसे तलाक का तरीका क्या है कि जी तीन तलाक़ें इकट्ठी देनी है जैसे कलाशन कोफ का ब्रश्ट मारना है तो वकीलों को भी नहीं पता होता नहीं पता होता यूनियन कौंसिल के जरिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है ना अस्टाम भिजवाना पड़ता है तलाक़ के लिए तो वो भी तीन तलाक़ें इकट्ठी लिखवाते हैं मतलब ऐसे जो है वो आप कह लें कि जी नावाकिफ़ किस्म के लोग हैं तो तलाक़ का जो तरीका हमें कुरान ने बताया जो हमें सुनने से मिलता है वो क्या है एक बात तो यह कि एक वक्त में एक ही तलाक़ दे सकता है एक से ज़्यादा नहीं जैसे एक वक्त में एक ही नमाज़ पढ़ेगा ना ये तो नहीं है कि फ़जर की वक्त में कहे मैं जोर भी असर भी पढ़ लूँ हर नमाज का एक वक्त है ना तो एक वक्त में एक ही तलाक़ देगा दूसरी तलाक का वक़्त क्या है दूसरा महीना तीसरी तलाक़ का वक्त क्या है तीसरा महीना यानी कम अज़ कम एक महीने का वक्फ़ होगा वक़ा होगा एक बात तो ये होगी कि एक वक्त में एक तलाक है एक से ज़्यादा नहीं देगा सुन्नत यही है एक वक्त में अगर दो तलाक़ दे या तीन दे तो ये बिदत है अब उसके बारे में इख्तलाफ है तो मेजॉरिटी तो ये कहती है कि अगर एक वक्त में दो तलाक देगा तीन देगा तो दो हो जाएंगी तीन हो जाएंगी लेकिन जो हदीस का स्कूल ऑफ थाट है या शुरू से बाद सहाबा बाद और ताब और फिर बाज़ इमा का मौक़ यही रहा है उनका तफसील से ज़िक्र मैंने अपनी किताब में किया है कि एक वक्त में तीन तलाक़ें जो है वो एक ही होती हैं जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायें हज़त अब्दुल्ला बबिन आबास से अल्ला केसलम के ज़माने में तीन तलाक़ें एक ही शुमार होती थी हज़रत अबूबकर के हज़रतमर के ज़माने में भी शुरू के ज़माने में तीन तलाक़ें एक ही शुमार होती थी एक सेटिंग में फिर हजरतमर रजीला लोगों ने तो खेल तमाशा बना लिया दिन को तो अब जो तीन देगा हम उसको तीन शुमार करेंगे तो उन्होंने बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये एक सदारती आर्डीनन्स था जो हज़रतमर ने जारी किया सदारती आर्डेंस हमारे यहाँ जैसे तीन महीने के लिए होता है तो बेसिकली ये एक सदारती स्थार्थ आर्डेंस था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं रुजू नहीं करने दूंगा आप उसको अपनी बीवी से जिसने ये काम किया तो एक तो यह है कि एक वक्त में एक तलाक दे दूसरा ये कि तलाक भी हालत तौहर में देनी है पाकी की हालत में अगर औरत पीरियड्स में है या नफास की हालत में है यानी बच्चे की पैदाश के बाद जो औरत को खातू खातून को जो है वो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसमें भी वो नापाक होती है उसमें अगर तलाक दी तो उसमें भी दो राय हैं मेजॉरिटी तो यही कहते हैं कि हो जाती है लेकिन बाज़ फुका कहते हैं कि नहीं होती जैसे भी निहमिया वगैरह कहते नहीं होती तोहर में तलाक देनी अच्छा ये सब मानते हैं कि तोहर में तलाक देनी चाहिए असल इख्तलाफ ये हो गया कि अगर उसने सुन्नत के मुताबिक तलाक नहीं दी हैज़ में दे दी मेंस में दे दी नफाज की हालत तो फिर वो वाक होगी कि नहीं होगी जो कहते हैं वाकई होगी वो कहते हैं उसकी सजा यही है अच्छा है उसके लिए उसने ये बिदत काम क्यों किया जो कहते हैं नहीं होगी वो कहते हैं बिदत बिदतन जलाल व्ल्लु ज़लालत फ़िरनार हर बिदत गुमराई है बिदत की दीन में कोई हैसियत ही नहीं है तो अगर कोई गलत वक्त में नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी जवाल के वक़्त में तो जो वक्त नहीं है तलाक का तो उस वक़्त में तलाक़ देगा तो तलाक नहीं होगी और अगर कोई फजर के वक्त में ज़ोर और असर भी पढ़ लेगा तीन नमाज इकट्ठी पढ़ लेगा ज़ोर असर नहीं होगी फ़जर हो जाएगी तो इसी तरह अगर कोई एक वक्त में तीन तलाक़ें देगा तो एक हो जाएगी सेकेंड और थर्ड नहीं होगी तो दूसरा ये है कि तोहर की हालत में तलाक़ दे और तीसरा ये है कि उस तोहर में तलाक दे जिस तोहर में उसने ताल्लुक़ क़ायम न किया हो अगर उस तोहर में वो ताल्लुक कायम कर चुका हो तो उसमें भी तलाक तलाक़ विधि होगी ये इमाम अबिन तहमी अलैह का कहना था अच्छा तलाक़ विधि की और तलाक़ सुन्नत की यह तकसीम तकरीबन सब मानते हैं ये तलाक सुन्नत है ये तलाक बिदत है लेकिन तलाक़ बिदत वाक्य होती है कि नहीं इसमें है कहती है कहती तलाक बिदत हो जाती है लेकिन वगैरह कहते हैं कि तलाक बिदत नहीं होती विधि तरीके से जो तो तलाक है वो वाकई नहीं होती क्योंकि बिदत की हमारे दिन में कोई नहीं।, नहीं कोई लीगल उसका स्टेटस नहीं एक और बात यह है कि एक तलाक के बाद दूसरी तलाक देने से पहले उसने रुजू किया हो फिर दूसरी तलाक होगी वरना दूसरी तलाक नहीं होगी ये भी इबिन तैमिया रहा ने कहा तो खैर बहुत सारे मसाइल मेरे पास ऐसे आते हैं जो कम्प्लिकेटेड होते हैं कम्प्लैक्स होते हैं तलाक के डाइवोर्स के तो उसमें फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप समझते हैं कि अब आपके बच्चे हैं चौदह पंद्रह साल से शादी का ताल्लुक़ है तीन चार बच्चे हो गए पांच सात बच्चे हो गए बाजू का तो फिफ्टी प्लस में जाके तलाक़ दे देते हैं जिस बात में आके तो फिर ये फतवा मौजूद है आप उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं मुलानाशरली थानवी हालांकि उनका ताल्लुक देवबंद से था हनफी स्कूल ऑफ थाट से तो उनके पास एक उनके बारे में आरूफ है अंग्रेज़ जोड़ा लाया गया तो न्यू मुस्लिम थे तो शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी तीन तलाक तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि इनको मेरे पास ना ले आओ क्योंकि मेरा फतवा तो ये है कि तीन तलाक एक वक़्त में तीन ही होती हैं इनको अहिल हदीस के पास ले जाओ जो ये फतवा देते हैं कि तीन तलाक एक होती है मेरे फ़तवे से फ़तवा तो इनको मिल जाएगा इनका ईमान चला जाएगा नहीं नहीं ये मुसलमान हुए हैं इनका ईमान इतना नहीं तो इनको एलदीस के पास चले जा तो हमारे यहाँ जो उलमा जो है वो किसी और राय के भी कायल होते थे लेकिन अगर समझदार होते थे ना तो वो ख़ुद फतवा नहीं भी देते थे तो किसी दूसरे की तरफ़ रेफ़र कर देते थे कि भाई उससे जा के ले लो क्योंकि रिलेशनशिप और ख़ास तौर पर ये जो ख़ानदान के टूटने के मसाइल हैं ना ये इतने सीधे नहीं मतलब बहुत पेचीदियाँ पैदा करते हैं ना बच्चे अब नॉर्मल हो जाते हैं अमूमन जो बच्चे अब नॉर्मल होते हैं तो उनके पीछे आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो क्या है ब्रोकन फैमिली है तो वो पूरी एक नस्ल को बचाने के लिए अगर फ़तावा मौजूद है और वो फ़तावा भी पीछे बेस कर रहे हैं कुछ दलाइल के ऊपर जो दलाइल किताबों सुन्नत से अब कहना है कि नहीं जी ये तो ज़िना हो जाएगा वो फलां हो जाएगा ये फजूल बातें बहुत सती किस्म की दलील है इन से कोई एक तो हा कहना दूसरा तो गलत है तो कौन गलत है जो गलत है वो जिना कर रहा है ऐसे हक बातिल इस तरह से नहीं करते इस तरह से करें तो फकह में निकाह के सिर्फ इस मसले में इख्लाफ़ नहीं है तलाक़ के सैकड़ों मसाइल मिसाल के तौर पर आप कोर्ट मैरिज का मसला ले लें तीन फकह ये कह रहे हैं तीन फका ये कह रहे हैं कि वो जो कोर्ट मैरिज हो रहा है वली के बग़ैर निकाह रहा है वो निकाह ही नहीं हुआ निकाह बातिल है तो उनके नज़दीक क्या हो रहा है फिर जिना हो रहा है और हनफी वाले क्या कह रहे हैं निकाह हो गया ठीक है इस तरह नहीं फिर इस तरह से तो वो भी आपको कहेंगे कि जी आप भी जिना कर रहे नहीं इस तरह से फतवे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं तो बस ये कहेंगे जी उनके नज़दीक ये राय ठीक है हमारे नज़दीक ये राय दुरुस्त तो है बस अल्लाह ताला उनको भी अजर देंगे हमें भी अजर देंगे दोनों का इश्तेहाद अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है चलें जी सदक अल्लाह